I think we should start now. Most participants have already come. Uh, welcome to the fifth and final day of our five day boot camp on modern research methods and data analysis. So what we have done so far is we have covered most. Statistical analysis. First three days uh, we studied about the basic assumptions of statistical measurement. We studied different types of variables <laughs> nominal, <laughs> ordinal, interval. और रेशो वेरिएबल से, फिर हमने ये पढ़ा था कि उन वेरिएबल्स का आपस में कॉम्बिनेशन कितने फॉर्म में हो सकता है हमने डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस के बारे में पढ़ा था इनफ्रेंशल स्टिक्स के बारे में पढ़ा था इसमें एसोसिएशन मेथड्स थे क्लासिफिकेशन मेथड्स थे प्रेडिक्टिव uh, मेजर्स थे फिर हमने ये देखा कि डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसके लिए कौन सा सेट अप्रोप्रिएट होता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक बायट कोरिलेशन करना चाह रहे हैं जिसके अंदर दोनों डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव हैं तो उसके अंदर आप पीएसएन कोरिलेशन यूज़ कर सकते हैं और पीएसएन कोरेशन जो है मेजर है एक स्ट्रेंथ ऑफ कोरेशन का दो वेरिएबल्स के दरमियान इस तरह से हमने मल्टीपल रेग्रेशन के बारे में पढ़ा कि मल्टीपल रेग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं बेसिकली ये दो या दो से ज़्यादा जो प्रेडिक्टर वेरिएबल्स होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनका आउटकम और प्रडिक्टिबिलिटी डिपेंडेंट वेरिएबल की उसके बारे में हमने पढ़ा किस तरह से होता है आपको मैंने एक मॉडल दिखाया था एनालिसिस uh, का जिसकी मदद से आपको ये पता चल सका था किस तरह से डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस uh, टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ये काइंडली देखिएगा जो आपको मैंने बताया था कि दो मेथड्स होते हैं इसके अंदर पहले आपने ये देखना है कि आपका वेरिएबल जो है वो कितने वेरिएबल्स हैं सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल रिलेशनशिप के अंदर है या वन डिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल रिलेशनशिप के अंदर है फिर आपने देखना था कि उसके टाइप कौन सी हैं और उस उसकी जो मेजरमेंट लेवल है उसको आपने एनालाइज करके उसके बाद फिर आपने अप्रॉपर स्टेटिस्टिकल टेस्ट चूज़ करना था उसके बाद हमने इंटर डिपेंडेंस टेक्निक्स पढ़ी थी जिसके अंदर फैक्टर एनालिसिस था जो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस भी हम इसको कह सकते हैं जो तो थ्योरी डेवलप करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिर हमने कॉन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस के बारे में पढ़ा जो अगर हमारे पास पहले से ही थ्योरी मौजूद हो तो हम डाटा कलेक्ट करके हम ये देखते हैं कि आपकी जो थ्योरी है जो मॉडल है वो फिट हो रहा है विद दी हेल्प ऑफ डाटा कलेक्टेड और नॉट फिर हमने क्लस्टर एनालिसिस के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हम डिफरेंट रिस्पोंडेंट्स को केसेस uh, को हम किसी ख़ास फैक्टर uh, के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं हाई पेइंग कस्टमर्स मैंने आपको एग्जांपल दी थी बिजनेस के अंदर मीडियम पेइंग कस्टमर्स और लो पेइंग कस्टमर्स को हम क्लस्टर कर सकते हैं और फिर पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं आ, इस तरह से हमने डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उनको भी रिड्यूस किया था कि किस तरह से हम डिफरेंट फैक्टर कर रिड्यूस करते हैं और उसके लिए कौन से टेस्ट यूज होते हैं मैंने आपको दोनों टेक्निक्स बताई थी जो एक चीज़ रह गई थी हमारे पूरे मॉडल में जो हमने लास्ट टू के लिए रखी थी वो थी मल्टीपल रिलेशनशिप्स ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हमारा था स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग करना है कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग का कि बेसिकली ये एक पाथ मॉडल है जिसके अंदर हम, हम पूरी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को उठा के फिर हम यूज़ करते हैं उस फ्रेमवर्क को अपने हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए अगर मैंने आपको एग्जांपल दी थी डिप्रेशन की कि मल्टीपल फैक्टर्स प्रडिट करते हैं डिप्रेशन जिसके अंदर फूड इनटेक इनकंसिस्टेंसी हो जाती है स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस है वर्क लेटेड स्ट्रेस है आ, और आई थिंक इसके अंदर एक और फैक्टर मैंने बताया था कि आप मेरे जहन में नहीं आ रहा तो वो तीन चार फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे जो डिप्रेशन को प्रडेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक रॉ थ्योरी मौजूद थी इस थ्योरी को हमने किस तरह से डाटा पर टेस्ट करना है उसके लिए मैंने आपको मॉडल बना के दिखाया था कि इन चारों का जो रिलेशनशिप है वो डिप्रेशन को प्रिडिक्ट कर रहा है तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो इसको हम पाथ मॉडलिंग कहते हैं कि हमने जी इसके अंदर एक और भी था फूड uh, मैंने पहले ही बताया फूड इनटेक टेक थी तो खैर मैंने आपको ये बताया था कि ये पाथ मॉडलिंग के ज़रिए हम बेसिकली पॉलिसी फ्रेमवर्क भी करते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं रिसर्च के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है फूड बैंक है आई एम एफ है ये सारे ये पाथ मॉडलिंग के ज़रिए ये पता करते हैं कि कौन सा पाथ जो है सबसे ज़्यादा झील देगा ऑन uh, रिटर्न गोल को अचीव करने का तो आज जो है हम उसको कल मैंने आपको ये भी बताया था कि उसको इम्पोर्ट किस तरह से करते हैं स्मार्ट uh, प्लस के अंदर आपको पहले सी एस की फाइल यूज़ करना पड़ेगी तो आज जो ये स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग का जो आखिरी रह गया था डिपेंडेंस टेक्निक हम वो करेंगे तो उसके लिए बेसिकली मैंने आपको कुल कुछ मेजर्स बताए थे फॉर्मेटिव और रिफ्लेक्टिव मेजर्स की एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी ये वाली इसके अंदर जब इंडिकेटर से हम किसी कॉन्स्ट्रेक्ट को मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल ये मैंने आपको आगे भी बताया हुआ था जगह पे ये फॉर्मेटिव मेजर ये वाले ये आपके इंडिकेटर्स हैं जैसे द गुड्स दुडिस दर्विस गुड फ्रेंडली रूम्स आर क्लीन ये किसी भी होटल की जो है ना सेटिसफेक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी हमने स्टडी किया था कि रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल्स के अंदर एक आपके पास पहले से ही आ, एक फॉर एग्जांपल कस्टमर सेटिसफेक्शन है वो प्रिडिक्ट कर रही है आगे आई अप्रिशिएट दिस होटल आई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टू स्टेइंग इन दिस दिस होटल होटल रिकमेंड अदर्स तो ये सारी चीज़ें हैं जो कस्टमर सेटिसफेक्शन से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं तो इसको हम रिफ्लेक्टिव मॉडल मेजरमेंट का बोलते हैं तो इसको इस तरह से हम सिग्निफाई करते हैं कि मैनिफेस्ट आइटम से लेटेंट कॉन्स्टेप को अगर हम प्रेडिक्ट करना हो तो इसको हम फॉर्मेटिव मेजर्स कहते हैं और फिर जो रिटर्न uh, कॉन्स्ट्स हैं इनसे हम डिडक्शन करेंट अहम आइटम्स की तो उसको हम रिफ्लेक्टिव मेजर्स बोलते हैं और इसका हर किसी का एरर um, टर्म होता है रिफ्लेक्टिव मेजर के अंदर अब ये देखेंगे इस साइड के ऊपर फॉर्मेटिव मेजर्स के अंदर कोई एरर टर्म नहीं होती अच्छा ये जो इंडिकेटर्स से कॉन्स्ट्रक्ट की तरफ कोई भी रिलेशनशिप हो चाहे फॉर्मेटिव हो चाहे मेजरमेंट हो इसको हम बोलते हैं आउटर मॉडल और जो फॉर्मेटिव uh, मेजर है उसको हम कहते हैं कि एक्जॉर्जिनस लेटेंट वेरिएबल का आउटर मॉडल है और जो रिफ्लेक्टिव मेजर है उनको हम बोलते हैं इंडोजिनस लेटेंट वेरिएबल्स का आउटर मॉडल है और ये जो अंदर वाला मॉडल है जो कॉन्स्ट्रक्ट से कॉन्स्ट्रक्ट क्रिएट कर रहा है उसको हम बोलते हैं कि ये इनर मॉडल है जी uh, फोर और जी basically बेसिकली um, error terms हैं Y three और Y four की ये जिस तरह से error टर्म्स X seven की E seven है या E eight है E nine है तो इसको denote करने के लिए हमने Z three कर दी ये uh, कभी कभी denote करते हैं moderation और mediation के effect को भी अगर कोई external variables इनके ऊपर uh, effect कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम Z uh, four uh, model use करते हैं आज एक image में आपको दिखाऊंगा model का उसके अंदर आप को जो मॉड्रेशन इफेक्ट है वो इस तरह से डिनोट हुआ है कि एक्सटर्नल मॉड्रेशन इफेक्ट आ रहा है कैलकुलेटेड uh, वेरिएबल्स के अंदर अच्छा जी आज आ, हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने मॉडल क्रिएशन किस तरह से करनी है अब आ जाए अपने स्मार्ट पेल के स्क्रीन के ऊपर ये सारे को नजर आ रही है जी इसके अंदर मैं पहले आज मॉडल जो है ना ये सारे डिलीट कर दूँ ताकि मैं आपको नए सिरे से बताऊं कि किस तरह से होगा जी सारे देख रहे हैं आप अपना स्मार्ट पी एल एच पी खोल लें अच्छा जी आ, कल मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह से डेटा इंपोर्ट करना है आपने डबल क्लिक करना है यहाँ पे लिखा हुआ डबल क्लिक टू तो इंपोर्ट डाटा और ये आपने करना है सी फॉर्मेट के अंदर तो हम नाम रखेंगे ओके तो कर देंगे तो ये हमारे पास डाटा आगे मैं नाम आपको बताया था जो डमी डाटा हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं बिग फाइव का ये आपको पता है मैंने आपको पहले बताया था डे वन के अंदर कि हम किस तरह से इसको डाटा uh, को यूज़ करेंगे जो हमारे पास पहले से मौजूद है जिसकी हमें थ्योरी पता है कि ये बिग फाइव की थ्योरी अच्छा अब हमारे पास नंबरिंग uh, आ गई आपके इंडिकेटर्स की कितने है uh, 30, um, हैं टोटल हमारे पास टोटल थर्टी फाइव हैं जिसके अंदर से फाइव जो टोटल स्कोर्स हैं और बाकी थर्टी फैसट्स जो हैं वो हर डोमेन के सिक्स फैसट्स हैं इसका मीन आ गया फिर मीडियन आ गया मिनिमम मैक्म वैल्यूज आ गए स्टैंडर्ड सैनिडिविएशन आ गए करटोस और स्क्यूनस आ गए ठीक है जी um, इसके अंदर आपने करना यह है कि आप एक्सेस uh, करटोस और स्क्यूनेस uh, चेक कर लेंगे कि क्या कि, किस वजह से है फॉर एग्जांपल वन से जो हायर वैल्यू होती हैं वो एक्सेसव um, क्रटोस होती हैं जैसे 1.6 जो है वो जो टोटल किया लेकिन हमें ये इंडिकेटर नहीं चाहिए तो हमें इसको हम यूज नहीं करेंगे इस वजह से हमें इसकी वैल्यू की फिक्र नहीं होनी चाहिए जो ओ सिक्स है ओपन एक्स वैल्यू लिबरिज्म में इसकी वैल्यू जनवनली भी हाई हो सकती है तो डाटा के अंदर सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपने ये भी इंटरप्रेट करना है कि आपकी जेनवनली हाई वैल्यूज हैं या आपकी जो क्लरिकल एरर है इसकी वजह से डाटा कंट्रोट है तो ये मुझे पता है कि ये जनवली जो है ना कंट्रोट आउट डाटा है तो इसका ऐसा इशू नहीं है स्क्यूनेस स्लाइटली हायर है ओ um, सिक्स की लेकिन ये भी जनरली uh, जो है ना इतना मार्जिन होता है तो एज सच उसका कोई मसला नहीं है हम इसके ऊपर लॉग ट्रांसफॉर्मेश नहीं यूज़ करेंगे और इसको हम एज इट इज यूज़ करेंगे अच्छा अब हमने दूसरा जो काम करना है जो हमारी थ्योरी है हमने वो थ्योरी का मॉडल जो है ना विजुलाइज करना है कि इस सारे डाटा को विजुअली अगर हम देखें तो किस तरह से होगा तो उसके लिए हम बेसिकली करेंगे कि हम डबल क्लिक करेंगे क्रिएट मॉडल के ऊपर यहाँ मॉडल का नाम रख रहे हैं कि बिग फाइव मॉडल अच्छा जी अभी हमारी मॉडल की विंडो एक वाइट ब्लैंक ओपन हो जाइए इसके से, से, से इंटरफेस होता है ये आइकॉन जो होता है इसका इस तरह से हाईराइटिकल शेप के अंदर आपको एक आइकॉन नज़र आएगा ये बेसिकली मॉडल की विंडो है इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन हैं पहले तो ये वाइट बोर्ड यहाँ पर होगा और उसके बाद डिफरेंट थीम्स हैं आप उनके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड के कुछ जो इसमें से ऑप्शन हैं वो सिर्फ प्रोफेशनल वर्जन की हैं इसमें आप यूज़ कर सकते हैं आ, लेकिन जो हमारा ज़्यादातर काम होगा वो इन वेरिएबल से जो ऊपर है जो ऑप्शंस हैं हम इनको यूज़ करेंगे अच्छा हमारा थेरेटिकल बैकग्राउंड क्या था कि फ़ाइव डोमेन्स होती हैं किसी भी इंसान की पर्सनालिटी की बिग फाइव मॉडल और हर डोमेन जो है उसके सिक्स फैसेट्स होते हैं आ, जो डिफरेंट डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं उस फैसेट्स को जैसे एग्रिएबलनेस के छः फैसेट्स हैं इसी तरह से एक्स्ट्रा वर्जन की हैं और हर पांच डोमेन की तो हमने पांच जो है ना बनानी है डोमेन्स का लेटेंट वेरिएबल जो हमने कैलकुलेट करना है ये आप ऊपर बटन देखें लेटेंट वेरिएबल का ये आपने सेलेक्ट करना है इसको क्लिक करना है उसके बाद आप एक वेरिएबल यहाँ पर बनाएंगे, फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा फिर और ये पांचवा, ठीक हो गया इन पांच के बाद जो हमने ह्यूमन पर्सनैलिटी जो हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं ओवरऑल उसका हमने एक रिटर्न वेरिएबल बनाना है अब आपके पास ये छह वेरिएबल्स आ गए ठीक हो गया अब सबसे पहले आपने इन वेरिएबल्स को रीनेम करना है अपने कॉन्टेक्ट्स के मुताबिक सो हमें पता है कि हमारे बिग फाइव के पाँच जो वेरिएबल्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं तो हम उसको लेफ्ट क्लिक करेंगे और ये रीनेम आप कर सकते हैं आप इसको सिलेक्ट करके F2 भी दबा सकते हैं तो उससे भी ये रीनेम की आपको ऑप्शन आ जाएगी F2 दबाएं इसको हम कह लेते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस सॉरी ये हम इंटरचेंज कर देते हैं ये तो सॉरी इसको डिलीट करते हैं इसको यहाँ ले आते हैं और ओपन एक्सपीरियंस यहाँ आ जाए ठीक हो गया अब दूसरा हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसको रीनेम कर लेते हैं कॉन्सियनशियसनेस थर्ड को रीनेम कर लेते हैं एक्स्ट्रा वर्ड ये हमारे पाँच जो हैं वेरिएबल्स हो गए और ये हम प्रिय करना चाह रहे हैं पर्सनालिटी को इसको हम रेड कर लेते हैं ह्यूमन ठीक है जो हमारा थियोरेटिकल मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके अब हमें इनको करना है आपस में कनेक्ट ताकि जो हमारा डाटा का मॉडल है वो क्रिएट हो जाए अब कनेक्ट किस तरह से करना है कि ये ऊपर बटन लगा हुआ कनेक्ट का इसको आपने सेलेक्ट करना है फिर आपने एक क्लिक करना है उस वेरिएबल को जो आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं हायर ऑर्डर वेरिएबल के साथ इस तरह की आपकी एक लाइन बन जाएगी और फिर दोबारा क्लिक करना है जो आपका फाइनल कॉन्स्ट्रक्टर डिपेंडेंट वेरिएबल उसके ऊपर इसी तरह से दूसरा कर लें अच्छा अब इसमें एक बात नोट कीजिएगा जब आप फाइनल वेरिएबल कनेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारा मॉडल ब्लू हो जाएगा जब ब्लू हो जाएगा इसका मतलब है कि आपका मॉडल जो है ना वो सही क्रिएट हो गया है ठीक है जी अभी आपने ये किया अब आपने इसके इंडिकेटर्स भी डालने हैं कि जो ये मॉडल है ये प्रोजेक्ट किससे हो रहा है अभी हमारा डाटा भी तो हमने लोड करना है ना अभी तो हमने सिर्फ मॉडल एक्चुराटिकल बनाया है इसका डाटा नहीं लोड किया डाटा के लिए आप सबसे पहले एक्स्ट्रा वर्जन डाल दें ये सारे इंडिकेटर यहाँ से आपने सेलेक्ट करने है। E1, 2, E6, 2, 6, uh, हैं ई वन टू ए सिक्स टू छैसेट्स हैं एक्स्ट्रा वर्जन के और आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एक्स्ट्रा वर्जन के ऊपर ठीक है जिस तरह तो से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ये साथ ही इसके सारे वेरिएबल्स यहाँ पे आ जाएंगे अब आप एक वेबल ले लें ये ध्यान रखिएगा कि जो वेरिएबल्स हैं वो आपने उसी कॉन्स्ट्रक्ट के अंदर ड्रैग करने हैं जिसके अंदर आपने नाम लिखा हुआ अब ये नहीं अग्रेबलेंस के मैं उठा के न्यूरोटिसिज्म के ऊपर डाल दूँ ये आपने अग्रेबलेंस के ऊपर ही डाल लें फिर कॉन्सेंशनस के ऊपर आ जाए ले ले। गया।, गया जी अच्छा अब आप इनको वो भी कर सकते हैं री मॉडल भी कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं कि इंडिकेटर जो है अब ये देखें इसके अंदर एक मिस्टेक ये है इसके अंदर एक मिस्टेक यह है कि ये जो इंडिकेटर्स हैं इनका जो एरो है वो इंडिकेटर्स की तरफ जा रहा है ये हमारा रिफ्लेक्टिव मॉडल है जी ये ई टू और ई थ्री जो हैं बेसिकली ये हमने कैलकुलेट किए हैं डिफरेंट आइटम्स से इसके अंदर बेसिकली दो मॉडल होते हैं पहले आप कैलकुलेट करते हैं ई uh, वन और ई टू डिफरेंट क्वेश्चन की मदद मैंने उस दिन आपको वेबसाइट दिखाई थी अपनी uh, जिसके अंदर हमारे थ्री हंड्रेड कोशन हैं और हर uh, जो आइटम है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टेन और आइटम्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ई वन के लिए टेन है ई टू के टेन हैं ई थ्री के टेन है ऐसा सारों के टेन आइटम्स हैं पहले हम ई वन ई टू कैलकुलेट करते हैं फिर उससे हम आगे हम um, सारों से ई वन टू ई सिक्स हम आगे फिर डोमेन कैलकुलेट करते हैं फिर डोमेन ह्यूमन पर्सनैलिटी करते हैं तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनालिसिस होते हैं तो इसको मैं बता रहा था कि अरेंज करने के लिए आप इसको सबसे पहले तो जो एरोज है वो आप ठीक करेंगे ये हमारा रिफ्लेक्टिव मॉडल नहीं है हमारा मेजरमेंट मॉडल है फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल है इसके अंदर हम एरोज कॉन्स्ट की तरफ करते हैं तो इसको आप लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन है स्विच बिटवीन फॉर्मेटिव एंड रिफ्लेक्टिव तो क्लिक करेंगे तो एरोज़ का डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा इसी तरह कॉन्सेंस का कर लें एक्सरे वर्जन का कर लें इसका फाइन इन ठीक है जी फॉर दिसिटी से एक आप ये इंडिकेटर्स को हाइड भी कर सकते हैं ताकि आपका मॉडल ज़रा साफ़ सुथरा हो जाए आप यहाँ पर लिखा होगा हाइड इंडिकेटर्स ऑफ सेलेक्टेड कॉन्स्ट्रक्ट ठीक है जी ये हाइड होगा सारों को हाइड कर दें अच्छा अब आपके पास ये पांच यहाँ पे कंसेप्ट होगा अब फाइनली जो आपने स्टेप करना है आपने वो ये देखना कि ये जितने भी सारे इंडिकेटर्स प्रिजेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन पर्सनालिटी को ये ओ ओपनस के छह फैसेट्स एग्रीएबलनेस के नॉटिसिज्म के कॉन्सेंशियसनेस के ये फाइनली जो है ना ये प्रिजेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन पर्सनालिटी को तो ये सारे के सारे हमने ऐड करने हैं आपके जो फाइनल ह्यूमन पर्सनलिटी के को प्रडिकट करें क्योंकि जहरी बात है कि अगर ये इंडिविजुअल कॉन्स्टेंट मेजर कर रहा है तो और ये सारे जो लेटेंट वेरिएबल्स हैं ये प्रेडिक्ट करें ह्यूमन पर्सनलिटी के तो ये सारे भी ऑटोमेटिकली इसका पार्ट होंगे तो हमने इस सारों को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है ह्यूमन पर्सनलिटी के ऊपर ठीक हो गया जी तो ये इस तरह से आपके सारे फैसेट्स फाइनल ह्यूमन पर्सनैलिटी के ऊपर आ जाएंगे इसको आप हाइड कर दें फिलहाल नहीं पहले आपने बल्कि इसकी जो आ, वो है इसको हाइड कर देना इस तरह से अब आपने देखना कि सारा मॉडल ब्लू हो गया मैंने आपको बताया था कि मॉडल जब ब्लू हो जाए तो इसका मतलब है कि अब हम इसके ऊपर एनालिसिस रन कर सकते हैं और ये टाइम भी खत्म होने वाला आई थिंक फाइव मिनट्स रह गए हैं इसके तो जिस तरह से ये होता है तो आपको जो है नया लिंक भिजवा देंगे तो इस तरह से आपने जब एक बार मॉडल क्रिएट कर लिया तो अब आपने इसके ऊपर एनालिसिस रन करना है एनालिसिस रन करते हो आपने स्पेशली ये चीज़ देखनी है कि स्मार्ट पी एल एस एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है uh, इसके अंदर अभी स्किल डेवलपमेंट में भी है काफ़ी सारी चार, जो इसकी रिजल्ट हैं आउटपुट्स हैं उनको आपने बड़ी केयरफुल एनालाइज करना है और रिपोर्ट करना है क्योंकि इसकी इंटरप्रेशन के अंदर अभी बहुत डिस्कशन है बुक्स लिखी जा रही हैं रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं uh, और काफ़ी सारे मॉडल्स हैं हैं लेकिन जो बेसिक पेपर है इसका uh, जो आपको मॉडल फिट बताता है वो उसके अंदर ये बहुत बेहतरीन है इस वजह से इसका पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है जी मैं आपको बता देता हूँ राबिया आप देखें पहले मैं ये इंडिकेटर शो करता हूँ ये सारे इंडिकेटर शो हुए हैं तो आप ये देखें कि डायरेक्शन जो है ना वो कॉन्स्ट्रक्ट से इंडिकेटर्स की तरफ जा रही हैं एरो इंडिकेटर्स की तरफ है अगर आपने चेंज करना हो तो आप ये जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे और जो यहाँ पे ऑप्शन है स्विच बिटवीन फॉर्मेटिव एंड रिफ्लेक्टिव Uh, नहीं जी क्योंकि जो हमारा फाइनल uh, होता है जो हम डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके अंदर जो है ना हम रिफ्लेक्टिव मैजेज करते हैं क्योंकि ये जो uh, सारे मॉडल्स हैं ये प्रडिकट कर रहे हैं ये पार्ट हैं इसका ह्यूमन पर्सनैलिटी का तो हम इसको uh, जो है ना स्विच भी कर सकते हैं लेकिन डिपेंडिंग करता है आप उसको इंटरप्रेट किस तरह से कर रहे हैं चले तो अगर हम स्विच कर दें कि ये सारे ह्यूमन पर्सनलिटी को प्रडिकट कर रहे हैं हम इसको फॉर्मेटिव मैजेस ले लेते हैं और इसकी कैलकुलेशन करके फिर मैं आपको बताऊंगा ये आपका एक अच्छा आई है तो इसको हम इस तरह से करके देख लेते हैं ठीक हो ओके जब समझ आ गया इसको किस तरह से आपने रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव में चेंज करना है इसको हम हाइडेंटिकेटर्स कर देते हैं ठीक है और अब हमने इसके ऊपर एल्गोरिथम रन करना है स्मार्ट पी एल एस थ्री का अच्छा करना आपने किस तरह से है कि मॉडल बन गया ब्लू हो गया आपको समझ आ गया कि मॉडल एनालिसिस के लिए रेडी है इसको हमने कैलकुलेट में जाना है और जो पी एल एस एल्गोिदम है अच्छा इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शन हैं ये बूट स्टेपिंग बेसिकली हम यूज करते हैं जो एनालिसिस है सी एफ ए के अंदर कंफरमेटिव फैक्टर के अंदर उसके अंदर फैक्टर्स भी होते हैं फिर मीडिएशन मोड्रेशन भी है मल्टी ग्रुप एनालिसिस है कंसिस्टेंट पी एल एस और इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा वास्ट है मैंने आपको जो बुक बताई थी प्राइमर ऑन पार्शल स्कोर बाय जोसेफ हायर उसके अंदर अगर किसी ने पढ़नी हो तो लीज डिटेल है क्योंकि वर्कशॉप में ज़रा टाइम नहीं है आपके बेसिकली कॉन्प्ट यहाँ पे थोड़ी बनाने और क्लियर करने तो उसकी वजह से मैं आपको सिर्फ फोकस करूँगा कि इसको हमने एक्चुअली रन किस तरह से करना है तो क्योंकि अगर आप एग्जाम्शन में पड़ जाएंगे तो वो काम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और जो आपका बेसिक नीड है अपने डाटा को एनालिसिस करने की वो पूरी नहीं होगी तो हम बेसिकली पी एल इसमें रन करते हैं जी फातमा ज़रूर आपकी जो है ना जब आ, हम करेंगे इंडिविजुअल डेटा में आपका देखूंगा तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि इसका मॉडल किस तरह से बन रहा है इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कौन से हैं और उनकी लोडिंग्स क्या हैं अभी आप बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ लें उसके बाद इन शो ना आपके इस मॉडल को भी हम आ, पाथ एनालिसिस के जरिए कैलकुलेट कर लेंगे अच्छा जब आप पी एल एस का सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर इस तरह से फर्स्ट विंडो आएगी जो पार्शल स्केलगोरीजम है उसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री भी ऑन टॉप पे बताई होगी पी एल इस पाथ मॉडलिंग वॉज डेवलप बाई वी टू तो ये सीरीज ऑफ बेसिकली रिग्रेशन है इसी वजह से कल मैंने आपका शुरू में कॉन्सेप्ट uh, क्लियर कर दिया था रिग्रेशन का कि ये बेसिकली एबिलिटी होती है किसी मॉडल की करंट uh, डाटा से फ्यूचर डाटा की तरफ तो इसी वजह से ये जो एल्गोरिदम है बेसिकली रेग्रेशन ही कैलकुलेट करता है ये मल्टीपल जो ना वेट्स चेक करता है डिफरेंट मेजरमेंट्स uh, के डिफरेंट पार्ट्स के और फिर अपना उसकी जो टिबिलिटी है आर्ट हुआ है वो कैलकुलेट करता है आप फॉर द ईज आपने ने ये सारी सेटिंग इस तरह से ही रहने देनी है ठीक है हम बेसिकली जो कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं फैक्टर एनालिसिस हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो मॉडल है वो फाइव डोमेन्स हैं और एक पर ह्यूमन पर्सनलिटी है और वो आगे सिक्स फैसट डोमेन को प्रोडक्ट कर रहे हैं और डोमेन ह्यूमन पर्सनलिटी को प्रोडक्ट कर रहे हैं हमने जो मेथड यूज़ करना है वो फैक्टर करना है यहाँ पर ठीक है पाथ एनालिसिस जो है एक डिफरेंट है जिसके अंदर हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज का ये सोशल साइंसिस की एक और रिसर्च uh, मेथड है जो ज़्यादातर यूज़ होती है स्ट्रेटजी और पॉलिसी मेकिंग के अंदर तो हम जो ना फोकस करेंगे फैक्टर एनालिसिस के ऊपर ठीक हो गया अच्छा दूसरा टैब है हमारा वेटिंग का ये भी आपने एज इट इज रखना रह, है वेटिंग के लिए बेसिकली हम डिफरेंट वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं जो मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं ये आ, जो है ना आप इसको वैसे के वैसे रहने दें क्योंकि अभी हम सिर्फ फैक्टर वेट्स देख रहे हैं ठीक है ये हो गया उसके बाद आपने फुल रिपोर्ट सेलेक्ट करनी ओपन फुल रिपोर्ट और कैलकुलेशन स्टार्ट कर देनी ठीक है जी थोड़ा टाइम लेगा इस तरह से कैलकुलेशन स्टार्ट करेगा एल्ट्रेशन रन करेगा और यह हमारे पास रिपोर्ट की विंडो ओपन हो जाएगी अब फाइनल रिजल्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं या जिस तरह से आप देख रहे हैं बेस डाटा इंटरनल रिजल्ट हैं क्वालिटी क्राइटेरिया है फाइनल रिजल्ट हैं अच्छा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखें कि एक टैब ओपन हो गया है इंडिकेटर्स के साथ कैलकुलेशन रिजल्ट्स का अब इस रिजल्ट के अंदर हमारे पास रिपोर्ट भी है जी रिपोर्ट हमारी ओपन ठीक होगी और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो हमने एनालाइज करना है वो हमने ये करना है कि हमारे से रेलिवेंट कौन से टैब्स हैं अच्छा इससे पहले कि हम आगे चलें आपको मैं इसके एग्जाम बताऊं अब मुझे कोई आप में से जो है ना ये करके दिखाएगा आफ्टर वी री स्टार्ट द सेशन क्योंकि अभी थी वन मिनट रह गया है इस सेशन का बहुत सिंपल है कोई इसके अंदर इशू नहीं है मैं आपको खुद यहाँ पे मॉडल्स बनवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और इसके अंदर डेटा भी मैं खुद इंटर करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कोई भी आपके जो ना वेग ना रहें अनक्लियर ना रहे, रहे। बजाय इसके मैं आपको सारा पढ़ाता हूँ और आपको एंड पे कुछ ना आए तो जी रबिया आप एक दफ़ा हमारा ये हो जाए नई मीटिंग स्टार्ट हो जाए फिर आप ये कीजिएगा आई थिंक फर्स्ट कैंडिडेट हमेशा तरह डॉक्टर आप ये डाटा वगैरह ना डिलीट करके दोबारा से एक मॉडल क्रिएट करें ताकि सबको पता चल जाए कि शुरू से किस तरह से करना है आपका जो चूँकि आप तेज़ी से अंडरस्टैंड कर लेती हैं तो ये है कि बाकियों को भी स्टेप बाय स्टेप पता चल जाए किस देखें जी सारे अब इन्होंने इस वक्त दोनों मॉडल्स और डाटा डिलीट कर दिए अब फर्स्ट स्टेप के अंदर हम डाटा इंपोर्ट करेंगे जिस तरह से अब अब ये देखें हमारा नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया अब इसके अंदर हम डाटा इंपोर्ट करेंगे जी ओपन करें इसको यहाँ पे कोई भी नाम लिखने डेटा का ठीक हो गया जी डाटा इम्पोर्ट हो गया अब आप इसके मॉडल के ऊपर आ जाएं इसको मॉडल क्रिएट करें अब आगे बस मॉडल आ गया यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लें क्योंकि उसकी इन स्पेस आपके पास हो, हो और आपने एक और क्रिएट करना है बॉक्स टोटल सिक्स होने चाहिए वेरिएबल्स इसको आप सिलेक्ट का बटन दबा के वैसे ड्रैग भी कर सकती हैं रीपोजिशन भी कर सकती हैं एक वेरिएबल आप और बनाएंगे इसके अंदर लेफ्ट साइड के ऊपर अच्छा अब आप इसके अंदर ने रीनेम कर लें इनको वेरी गुड अच्छा भैया इसमें आप मुझे बताएं कि आप थेराटिकल मॉडल मैंने आपको अनम्यूट कर दिया आप बोल सकती हैं ये बताएं कि आप थेटिकल मॉडल क्या बनाना चाह रही हैं कि आइसक्रीम कैंडीज़ और डिजीजेज एज जेंडर ये सारे टूथ कैरीज को प्रिडक्ट करते हैं यस yes, सर uh, कि, कि, कितना आइसक्रीम इफेक्ट कॉज कर रहा है सब कुछ हो गया वो एज uh, रिलेटेड uh, में कितना है ओल्ड में कितना है जेंडर रिलेटेड मेल में कितना है फीमेल केरीज का चेक कर रहे हैं डेटा yes, uh, आप इसके अंदर यही यूज कर रहे जो ई वन के हमने तो बेसिकली डेटा की फॉर्म देखनी है तो आप ये e1 को आप okay, आइसक्रीम में डाल लें इस तरह से बाकी फिर आ, e1 से e6 तक जितने भी हैं आप इस तरह से करते हैं शिफ्ट दबाएं आ, e1 को सिलेक्ट करें और फिर शिफ्ट दबा के e6 को क्लिक करें तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे शिफ्ट दबा के e6 को करें नहीं पहले e1 दबाएं उसके बाद शिफ्ट करके शिफ्ट का बटन दबा के फिर e6 के ऊपर क्लिक करें नहीं, नहीं इसको ड्रैग नहीं करना आपने ये वन किया हुआ ना तो इसको इस तरह से रहने दें अब E6 के ऊपर माउस लेके जाएं शिफ्ट दबा के और क्लिक करें हाँ जी है सारे ड्रैग करके आइसक्रीम बना दो नेक्स्ट इसी तरह से नहीं, A1 पे पहले सेलेक्ट करें और ए सिक्स दबा के क्लिक करें हाँ जी सारे सेलेक्ट करके आप टूथ केरीज पर डाल हाँ जी ये भी कर लें स्विच कर लें वेरी गुड ठीक है अब इंडिकेटर्स हाइड कर दें चलिए ठीक है वेरी गुड इसके ऊपर कैलकुलेट करें पी एल एस एलगोरिदम सेलेक्ट कर लें इसमें फैक्टर सेलेक्ट करें सेलेक्ट से ओके ओके ठीक है आपको यह कैलकुलेशन कर देगा और तरह आपकी आउटपुट आ जाएगी ठीक है जी वेरी गुड वेरी गुड अच्छा जी रबिया आप करना चाह रहे हैं अपनी स्क्रीन शेयर तो आप अब आप, आप कर लें जी जी अब सबको समझ आ गई इसका मतलब तो नहीं है कि ना आप भी ट्राई कर लें आपका करना तो आपने खुद ही है ना नहीं, आप वैसे ही रहने दें आप बस आ, इसको मॉडल इसका बना के देख लें मॉडल नया क्रिएट कर लें अगर आपने नया टाइम किया हुआ एक आपने डिलीट करना है पहले स्लेक्ट पर, स्लेक्ट कर बटन दबाएं और इसको सिलेक्ट करके फिर डिलीट कर लेफ्ट साइड के ऊपर फाइव वेरिएबल्स होने चाहिए ऐसे आपने सिक्स बना दी ये आपने गलत जगह ड्रैग कर दिया एक्स्ट्रा वर्जन को आपने एक्स्ट्रा वर्जन के ऊपर करना है एग्रीबिलिटीज़ पे नहीं से दिन्ण से दिन्ण जी हाँ डिलीट कर दें और ऊपर जाके एग्रीबिलिटीज़ के सारे हैं। ये एग्रीबिलिटीज़ के ऊपर आप ड्रैग करो जी आप ठीक इंडिकेटर चेंज करो अगर इंडिकेटर चेंज करें आपने इसको रिफ्लेक्टिव मेजर्स बनाया हुआ है हां अब ठीक है ये इसको चेंज करें ओपननेस का जी आप इसको रन कर दें रिपोर्ट को ठीक हो गई थैंक यू सो मच आपका ये मॉडल क्रिएट हो गया आप सारों को समझ आ गई होगी कितना इजी है ये मॉडल बनाना कि आप बेसिकली यार सिर्फ डाटा इनपुट करना है उसके सिरोटिकल मॉडल बनाना है उनको आपस में कनेक्ट करना है और इसको आपने पी एल एस रन कर देना अच्छा अब आ जाते हैं थोड़ा आगे कि इसको हमने इंटरप्रेट किस तरह से करना है का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट्स uh, को यहीं पे आता है कि डेटा आपने ले भी लिया उसका मॉडल भी बना दिया and उसको रन भी कर दिया अब जो आउटपुट है उसको इंटरप्रेट किस तरह से करना है जो फॉर्मेटिव मेजर्स हैं उनका मेजरमेंट का मॉडल कौन से हमने इंडिकेटर्स देखने हैं वो डिफरेंट है रिफ्लेक्टिव मेजर्स के जो हमने इंडिकेटर्स देखने होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है अक्सर काफ़ी सीनियर रिसर्च के अंदर भी ये प्रॉब्लम आता है बिजनेस के अंदर और बिहेवियर रिसर्च के अंदर के भी लोगों ने डाटा भी सही कलेक्ट किया होता है मॉडल्स भी सही बनाए होते हैं लेकिन जो एनालिसिस अनालिस जानकारी होते हैं वो फॉर्मेटिव वाले रिफ्लेक्टिव के ऊपर डाल देते हैं रिफ्लेक्टिव वाले फॉर्मेटिव के ऊपर डाल देते हैं और वो मीनिंगस रिजल्ट होते हैं कि आपका जो डाटा है उसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि आपने जो मेजरमेंट की है वो मेजरमेंट एप्लीकेबल है ही नहीं उसके लिए अब ये इंडिकेटर्स हैं फॉर एग्जांपल अगर हम इनके डायरेक्शन चेंज ना करते इस मॉडल के अंदर तो इसका मतलब मॉडल ही आपका सारा ख़राब हो गया आप जो मेजर जिस कॉन्सर्ट की करना चाह रहे हैं वो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो आपने डिपेंडेंट बना दी तो ये हमने ना बड़ा ख्याल करना है इसके अंदर कि हमने कौन से जो इंडिकेटर्स हैं वो इसके अंदर सिलेक्ट करने हैं ताकि हमारा जो नाम है वो सही हो अच्छा क्योंकि हमारा मॉडल जो है वो बेसिकली रिफ्लेक्टिव सॉरी फॉर्मेटिव मेजर्स हैं तो उसके सबसे पहले तो आपने देखने हैं कि जो वेरिएंस है कितने परसेंट प्रिडिक्ट कर रही है ह्यूमन पर्सनैलिटी को ये पांच फैसेट्स ठीक हो गया अब इसके अंदर नौ नोटिसम का जो स्कोर है ह्यूमन पर्सनैलिटी के साथ वो पॉइंट टू वन एट जो है ना इसका को रिलेशन है ठीक हो गया एग्रीबलेंस का पॉइंट टू फोर फोर इस अच्छा अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि चूंकि हमारे पास सौ से भी कम रिस्पॉन्डेंट्स हैं तो इसकी जो प्रोडक्टिव एबिलिटी है वो दूसरे मॉडल से कम होगी जिसके अंदर सैम्पल साइज़ ज़्यादा है हमने पढ़ा था शुरू में कि ओवर हंड्रेड जो है ना हमारे पास एटलीस्ट होना चाहिए सैम्पल साइज़ ताकि हम कोई प्रोडेक्टिव मॉडल्स बना सकें यह आपको मैंने सिर्फ डिमॉन्सट्रेशन के लिए दिया है कि हमारे पास ट्रायल वर्जन है जो हंड्रेड जिसके अंदर लिमिट होती है ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो सके कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अब आ जाएं आप इसके ऊपर जब हमने एक दफा इनके को पता कर लिए आपस में को लेस क्या हैं, तो उसके बाद हमने जो फॉर्मेटिव मेजर्स हैं, उसके कौन से हमने इंडिकेटर्स चेक करने हैं। नीचे आप जो तो रिपोर्ट में जब आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले जो हमने मेजरमेंट चेक करने फॉर्मेटिव मेजर्स के अंदर होती है वो होती है कोलिनियरिटी आर ये ये आप जो बटन है क्वालिटी क्राइटेरिया के अंदर आप जाएंगे कोलिनियरिटी आर के अंदर अच्छा इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं आप रबी

जी अब जो है ना इसको रिमूव करें अब देखें बिल्कुल ब्लैंक हो गया दोबारा हम इसके ऊपर रन करेंगे पी एल एस अब अब ये स्क्रीन देखते जाइएगा मैं साइड पे कर रहा हूँ ये मैं दूसरी विंडो पे कर लेता हूँ ताकि आपको ये स्क्रीन नज़र आती रहे जिस तरह से मैं स्टार्ट कैलकुलेशन करूँगा कैलकुलेट करेगा और ये ऑटोमेटिकली जो ना आपकी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी जब आप मॉडल्स पे जाएंगे तो ये पहले से कैलकुलेट हुए okay. होंगे ये okay, रिपोर्ट sir. का पेज है और ये मॉडल का पेज है थैंक यू ठीक हो गए अच्छा अब आप आ जाएं इनके के ऊपर रिपोर्ट देखने के लिए या तो ये सेकंड पेज पे ख़ुद खुद ओपन कर देगा या अगर नहीं हुआ तो आप मॉडल पेज के ऊपर जाके यहाँ पे रिपोर्ट होगी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएगी अच्छा ये रिपोर्ट जो है आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल के अंदर या एच फाइल के अंदर या हमारे पास जो आ, आ, एक सॉफ्टवेयर है स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जो कोडिंग के ऊपर होता है जिस तरह स्पेस है लेकिन उसके अंदर कोड करना पड़ता है वो कॉम्प्लेक्स है प्रोग्रामर्स के लिए है और जो सीरियस साइंटिस्ट वगैरह हैं वो ये यूज़ करते हैं आर तो उसके अंदर भी एक्सपोर्ट हो सकता है तो अब आप आ जाए रिपोर्ट्स के अंदर तो हमने जो फॉर्मेटिव मेजर्स के लिए हमने चेक करना था बेसिकली हमने पहले ये चेक करना है कि इसकी जो कोलिनेट स्टेटिक्स हैं वो क्या हैं ठीक है जी इसको हम ये भी कहते हैं कि वैल्यू इंडिकेटर फ्रीक्वेंसी वी आई एफ अच्छा इसका अब मतलब क्या है पहले तो आप मतलब समझ लें जो वी आई होते हैं वो बेसिकली ये कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारे इंडिकेटर्स हैं मॉडल के अंदर जीवन जो हमारे इंडिकेटर्स हैं ये आ, जो है ना सेम कॉन्सेप्ट तो मेजर नहीं कर रहे आ, कि वो आपस में जो है ना उनकी कोल तो नहीं है अगर ये बढ़ रहा है तो साथ ओ भी बढ़ रहा है अगर ओ बढ़ रहा है तो साथ ओ भी बढ़ रहा है ओ वन बढ़ रहा है तो ओ सिक्स भी पढ़ रहा है क्योंकि आइडियली जो हमारी थ्योरी है कि डिफरेंट जो मैनिफेस्ट आइटम्स हैं ये डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं पर्सनली के फैसेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं और इनको आपस में नहीं मिलना चाहिए इनकी आपस में कॉलियरिटी नहीं होनी चाहिए इनका कोर लेशन नहीं होना चाहिए तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं कोल बेसिकली उसके लिए मॉडल फिट के लिए इसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशन है अगर ये कोल होंगे तो जो मॉडल फिट है वो ख़राब होगा मॉडल फिट के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि ये हम किस तरह से करते हैं तो सबसे पहले तो आप कोल इन में जाएंगे क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो इस तरह का ना आपके पास एक टेबल आ जाएगा अच्छा तो इस टेबल के अंदर उन्होंने ऑटोमेटिकली एक वैल्यू दी हुई है जिस तरह आप अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं स्पेसल के अंदर कि क्रॉन अल्फा की एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या है और इसके अलावा जो गाय स्कोर फिटनेस है उसके एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या है स्मार्ट प्लेस तरीके के अंदर उन्होंने काफ़ी ईजी बनाया हुआ है लेकिन याद रखें ये कोई रूल नहीं है रूल जो है हमेशा चेंज होते हैं आपके रिसर्च डाटा के मुताबिक तो वो आपने अपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि मेरे रिसर्च के मुताबिक एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सी है लेकिन एज ए रूल उन्होंने बताया कि फाइव से ऊपर जो भी अगर आपके अः वी आई एफ वैल्यूज हैं किसी वेरिएबल की तो इसका मतलब है उसके अंदर कोल इन इशू आर टीज तो कोल के अंदर आपने ये चेक करना है कि कितने वेरिएबल्स के जो हैं वो फाइव से ऊपर हैं तो हमारे यहाँ पे वन टू थ्री फोर और स्लाइड कोल है ठीक है फिर हम उसके अंदर ये चेक करेंगे कि कोई इंडिकेटर इसमें इस तरह से तो नहीं है जो सेम कॉन्स्ट्रेक्ट मेजर कर रहे हैं उसका एक कम्प्लीट एक प्रोसेस है उसको मॉडल को रिफाइन करने के लिए डिटेंडेंट इंडिकेटर्स को लेस डिटेंडेंट बनाने के लिए आइटम डिलीशन के लिए उसके आगे जो है ना एक रूल मेथड एक प्रोसीजर है पूरा उसके अंदर अब अभी हम नहीं जा सकते लेकिन आप बेसिकली समझ लें कि सबसे पहले तो जब आप फॉर्मेटिव मेजर्स सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली वी जो है कैलकुलेट आपने करनी है आपने देखनी है कि वी आई अच्छा पहला स्टेप तो हो गया वी आई एफ़ का कि आप ये देखें कि इसकी एक्सेप्टेबल रेंज में है नहीं अच्छा अब दूसरा स्टेप जो आपने देखना है उसमें ये देखना है कि अगर किस किसी के जो वी आई एफ हैं ये आउट ऑफ द रेंज है तो उसमें फिर आप चले जाएंगे आउटर वेट्स में फाइनल रिजल्ट में जाके हमने जाना आउटर वेट्स के अच्छा अब हमारे पास जो वेरिएबल्स है एग्रीएबलनेस कॉन्सनेस के वो जो है अब हमारे पास पर ह्यूमन पर्सनलिटी जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल था यहाँ पे और बाकी सारे ये जो पांच हैं ये बेसिकली इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो हम जो हमने सेलेक्ट करना होता है वह ये देखने की आउटर लोडिंग जो है इनकी आपस में कितनी है अब एग्रियबल्स की जो, जो चार फर्स्टर की आपस में लोडिंग हो रही है पाँचों है जो उसकी नेगेटिव लोडिंग्स हो रही हैं ये हम चेक कर लेंगे कि जो दो वेरिएबल्स हैं उसकी नेगेटिव लोडिंग्स क्यों हो रही हैं फिर कॉन्सेंस में आ जाएंगे इसके पांच के पांच लोडिंग्स बिल्कुल सही हो रही हैं आपस में एक्सट्रे वर्जन को करेंगे इसमें चार हो रही हैं एक मिसिंग है में देखेंगे इसके तीन हो रही हैं ओपन एक्सपीरियंस में देखेंगे चार हो रही हैं अच्छा कभी भी आप याद रखिए स्मार्ट पी के अंदर जो आपके थ्रोटिकल मॉडल है वो आइडियली डाटा के साथ फिट नहीं होगा क्योंकि तो डाटा के अंदर मैंने आपको बताया था मेजरमेंट एरर्स भी होते हैं सोशल साइंस के अंदर एक बात की हज़ार रीजंस हो सकती हैं जो आप पॉसिबली कैलकुलेट भी नहीं कर सकते लेकिन हमें रफली गुड मॉडल चाहिए होता है जो हम ले कर फिर सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस कर सकें और उनसे पॉलिसी प्रोग्राम्स बना सकें और उनके हमारे पास रिजल्ट आए बेसिकली किसी भी काम का गोल ये होता है कि मेजोरिटी ऑफ जो उसके रिसपियंट्स हैं वेलफेयर प्रोग्राम्स के वो बेनिफिट कर सकें अब ये uh, अपीडीमियोलॉजी में इस तरह से होता है कि अगर हम बेसिक मॉडल एक एनालाइज कर सकें प्रिडिक्ट कर सकें किसी डिजीज़ का uh, तो हम जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं उसको हम मिनिमिलाइज uh, अगर हम कर दें तो जो मेजोरिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट ये होता है कि वो uh, उसमें डिजीज़ प्रवेलेंस कम हो जाती है इसी तरह से हमने जो ना हमेशा मेजोरिटी को कैटर करना होता है तो अगर ये मॉडल पूरी तरह से फिट नहीं भी होता तो अगर मेजोरिटी को ये प्रिडक्ट कर देता तो हम फिर भी इसको यूज़फुल मॉडल समझते हैं क्योंकि ये एक ड्रॉबैक है सोशल साइंसिस मॉडल्स का कि आप कभी भी किसी लेटेंट uh, कॉन्सर्ट को फुली मेजर नहीं कर सकते विदाउट मेजरमेंट एरर्स तो ये अब हम इसमें देखेंगे कि, कि ये चार पांच जो फैक्टर्स हैं ये लोड हो रहे हैं अच्छा इसके अंदर भी अगर कोई एक्सट्रीम इशू होते हैं तो वो आपको यहाँ पे रेड कर देता है रेड वैल्यूज़ आपकी जो ना आ जाती हैं तो आउटर वेट्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है सवाए एक दो इंडिकेटर्स के अच्छा अब आपने कौन से इंडिकेटर्स रखने हैं कौन से डिलीट करने हैं इसका एक और क्राइटेरिया भी है पहले आपने सबसे पहले चाक क्या चेक किया वी आई एफ़ ठीक है उसमें एक से या दो के प्रॉब्लम थे बाकी किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं फिर आप आ गए आउटर वेट्स के अंदर आपने आउटर वेट्स सारों को सिलेक्ट कर लिए कि वो सही तरह से एक तमाम फैक्टर्स एक दूसरे अलाइन हो रहे हैं नहीं हो रहे अच्छा अब इसमें से अगर कोई अलाइन नहीं हो रहे इनकी उनकी कम है तो आपने इसमें डिलीट उसको करें या उसको रिटेन करें या उसके आइटम्स को हम दोबारा देखें वो कैसे सिलेक्ट करना है उसके लिए फिर आप ये देख लें कि अगर आपकी आउटर लोड वेट्स जो है ना कमज़ोर हैं लेकिन आउटर लोडिंग्स जो है ना वो सही हो रही हैं इसमें देखें वो बता रहे हैं कि ए वन और ए फोर जो है ना इसकी आउटर लोडिंग्स सही तरीके से लोड नहीं हो रही है एग्रीबलेंस के अंदर इसके अंदर कोई इशू है और ये जो फिफ्थ है ये नेगेटिव को हो रहा है तो इनकी क्या वजह है तो आप इन फैक्टर्स को देख लें अगर तो इनकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं मतलब पॉइंट तक भी चल जाती हैं अगर इससे भी कमज़ोर हैं तो फिर आप पहले तो देखें कि आपके आइटम्स जो हैं वो सही मेजरमेंट कर रहे हैं कौन किए नहीं कर रहे हैं और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आपने इनको रिटेन करना है नहीं करना आया कि आप ए वन ए फोर को निकाल देंगे या इसको रखेंगे या नहीं रखेंगे जैसे भी है ये आप देख ले तो ये हमारे पास ना एक क्राइटेरिया है फॉर्मेटिव का जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि आपने जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनको एनालाइज कैसे करना है सबसे पहले वी आई एफ देखें उसके बाद आप आउटर वेट्स देखें उसके बाद आप आउटर लोडिंग्स देखें आइटम्स रिटेन करने के या नहीं अच्छा इसके अंदर मैं आपको बुक का भी दिखा देता हूँ कि बुक के अंदर एक ना ग्राफिकल मॉडल बना हुआ है एनालिसिस का जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि आपने किस तरह से सेलेक्ट करना है वी को ये देखिए हमारा मॉडल है कोल असेसमेंट का टी द का कैसे ऑफ कोल इन द फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडल अब फाइव से अगर बड़ा है तो क्रिटिकल लेवल्स ऑफ कोल्टी हैं। फाइव से छोटा है तो नो no इश्यूज है फिर आपने ना उसकी सिग्निफिकेंस एनालाइज करनी है आ, आउटर वेट से ठीक है जी तो आपने इंटरप्रेट करना है फॉर्मेटिव इंडिकेटर एब्सोलूट एंड रिलेटिव कंट्रीब्यूशन। आपने उसके वेट्स देखने कि कितना ज़्यादा जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ओवरऑल कॉन्स्ट्रक्ट मेजरमेंट में ये तो हो गया नो क्रिटिकल लेवल्स के अंदर अब अगर क्रिटिकल लेवल्स वी आई एफ फाइव है रेड हुआ हुआ है ये वाला तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे तो आपने जो ट्रीट कोलिनेटी इशूज करने के पहले तो ये इशूट सॉल्व करने का मसला आ क्या रहा है अच्छा अब इसके अंदर दो चीजें होते हैं एक uh, कोलिटी है और एक मल्टी कोलिटी है अब इस डिस्कशन में मैं नहीं पढ़ूंगा वो आप बुक्स में देख लीजिएगा इसी के आगे अपना एक्सप्लेनेशन के अंदर है तो अगर तो आपका जो ट्रीट करते हैं कोल को उसके डिफरेंट मेथड्स हैं इंडिकेटेड डिलीशन वगैरह है जो भी है वो सारा इसके अंदर आ जाता है उसके बाद भी जब आपने रन कर दिया तो उसके बाद जब आप वो करते हैं तो अगर वी जो है कम हो जाता है फाइव से मसला ख़त्म हो जाता तो फिर आप सिंपली आउटर वेट उसका एनालाइज करें और उसको रिपोर्ट कर दें अगर फिर भी रहते हैं वो वी आई एफ से फाइव वी आई एफ फाइव से बड़ा है तो आप फिर उसके अंदर ये कर सकते हैं कि आप जो है ना वो आपका फॉर्मेटिव मेजर मॉडल है वो आप डिसमिस कर देंगे कि ये जो है ना ये इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं ये आपका जो कॉन्सट जो है ना वो सही मेजर नहीं हो रहा आपका मेजरमेंट फॉर्मेटिव मॉडल वो ठीक नहीं है आप या तो अपना थ्योरी को एडजस्ट करें या आप अपने फिर डाटा को एडजस्ट करें कि आप कोई गलती कर रहे हैं या आप थ्योरी डेवलपमेंट आपने जो थ्योरी बनाई है वो ठीक नहीं है या आपका जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो सही तरह से मेजर नहीं कर रहा है उस थ्योरी को जो वो कर रहे हैं और ये दुनिया का मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो ना क्वेश्चन है जो आज तक नहीं सॉल्व कर सका कि हमेशा भी जो सारे अगर आप डाटा कलेक्ट कर लें तो वो कभी जो है ना थ्योरी को हंड्रेड परसेंट प्रिडिक्ट नहीं कर पाता ये एक फैक्ट है स्पेशली सोशल साइंस के अंदर जहाँ पे आपके पास क्वानिटेटिव डाटा पैरामेट्रिक डाटा इस तरह का नहीं होता कि वो एनालाइजेबल हो एक्सेप्ट फॉर अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हैं जिसके अंदर एप्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं मेडिकल फील्ड का इसका फिर भी रिलेटिवली uh, ईजी है अगर आप कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जिसके अंदर आपको के पास क्वानिफाइबल मेजर्स हैं जैसे हॉस्पिटल uh, में जाते हैं तो वो सबसे आप पहले आपके वाइटल साइंस वगैरह लेते हैं हार्ट बीट हो गए उसके बाद ब्रीदिंग रेट हो गया पल्स पल्सिंग हो गई uh, फीवर हो गया इस टाइप की चीज़ें जो आप क्वान्टिफाई कर सकते हैं तो अगर आप इसके ऊपर कोई डिस्क्रिप्टिव रन करें इसके ऊपर आपने कोई मॉडल क्रिएट किया हुआ तो वो आपका कंपेरेटिवली ईजी होता है जो सॉलिड डाटा के ऊपर रन करता है लेकिन अगर आपने जरा इसमें भी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज यूज करने हैं अब मैं ज़्यादा आपको इसमें एडवांस रिसर्च नहीं बताता आप कंफ्यूज हो जाएंगे लेकिन आ, जो हम हमारी रिसर्च हो रही है आजकल एक प्रोजेक्ट है जी वैस के नाम से जीन वाइड एसोसिएशन सिंड्रोम उसके लिए वो कर रहे हैं कि वो आपके बेसिकली जेनेटिक प्रोफाइलिंग करते हैं और आपकी डी एन करते हैं उसमें ये देखते हैं कि जो डिफरेंट डिजीज हैं आप कितने प्री डिस्पोज हैं उन डिजीज को जो है ना आपकी वो क्या है उसको कहते हैं प्री डिस्पोजिशन डिजीज हासिल करने की क्या है तो आप जेनेटिकली प्री होते हैं कुछ डिजीजेस के लिए फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पेरेंट्स हैं उनको हार्ट के इशूज़ हैं या शुगर है या हाई ब्लड प्रेशर है या कोई और डिजीज़ है जो फैमिली के अंदर रन कर रही है तो वो मोस्ट लाइकली आपके अंदर आएगी तो आपकी जो प्री डिस्पोजिशन रहती हैं वो किसी खास चीज़ की स्पेशली होती हैं तो ये बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है जिसको हमने बिग डाटा के ज़रिए कलेक्ट किया है ओवर द ईयर्स अलॉन्ग नडी हुई उसके बाद जो मेडिसिन है उनके रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स रन किए गए हैं कि ऐसे पेशेंट जो प्री डिस्पोज हैं जेनेटिकली उनको शुरू से ही ऐसी ड्रग्स दी जाएँ एक्सपेरिमेंटल और उनकी एक्सरसाइज और वेट रिजीम एक उनका बनाया जाए ताकि वो जो जिस चीज़ के प्री डिस्पोज हैं वो उनके अंदर पॉजिटिव ना हो तो ये मैंने आपको थोड़ा साइड ट्रैक करके बता दिया था कि जो मेथड्स हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं क्वान इंडिकेटर्स हैं वो थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हैं मॉडल फिट के अंदर और जो सोशल साइंसिस के इंडिकेटर्स हैं जो हम कॉन्सेप्ट मेजर करते हैं जो जनरली एब्सट्रैक्ट होते हैं जैसे एंगर शेम फियर एम्बेरसमेंट इस टाइप की चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा हार्ड होता है मॉडल के करने के लिए तो इसके अंदर रूम होता है थोड़ा लेकिन ये भी नहीं कि आपका एक इंडिकेटर दूसरे से बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा ना थ्योरी का आपस में कोई कनेक्शन है डाटा कोई चीज कर रही है, तो वो भी थोड़ा इशू हो जाता है। अच्छा जी अब हमने ये फॉर्मेटिव मेजर की थोड़ी बात कर ली कि किस तरह से होता अब थोड़ा आ जाए आप रिफ्लेक्टिव मेजर्स के ऊपर ये मैं आपको थोड़ा बताऊंगा ब्रीफली कि ये किस तरह से होता है? रिफ्लेक्टिव मेजर्स के अंदर बेसिकली जो हम करते हैं वो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हमने एक्सेस करने होते हैं सबसे पहले तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी ये जब आप नया क्वेश्चनर को डिजाइन करते हैं आप उसमें ये देखते हैं कि जो इंडिकेटर्स मैच uh, कर रहे हैं एक दूसरे से फॉर एग्जाम्पल यहाँ मॉडल की तरफ आ जाए कि ये जो यहाँ पे आइटम्स मैनिफेस्ट आइटम जो ओपन कर रहे हैं आया कि ये तो नहीं कि ये जो आइटम्स ओपन हैं वही आइटम्स कॉन्सेंस को भी कर रहे हैं वही एक्सरवर्जन को भी कर रहे हैं वही एग्रीबलनेस अग्रीबलनेस तो कर रहे हैं तो इनका आपस में ओवरलैप तो नहीं है तो इस ओवरलैप को जब हम एनालाइज करते हैं कि कि ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस अच्छा डिस्क्रमिनेट एनालिसिस कितना बेसिकली करता है कि अगर हमारे पास रिफ्लेक्टिव मॉडल हो तो तो उसके लिए हम इस तरह करते हैं ये है नहीं मैं आपको वैसे ऑप्शंस का बता रहा हूँ ये होती क्या है डिस्क्रिमिनेंट वैलिटी बेसिकली इस तरह करना एक चार्ट बना देता है और वो एग्रीबल्स के अपना जो सारे पाँच फैसेट्स हैं उनको लगे से लिस्ट कर देता है इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के आपस में पाँच को लिस्ट कर देता है को आपस में इस तरह से लिंक कर देता है तो इसमें देखें कोई वैल्यू जो है ना इसमें रेड नहीं है तो इसका मतलब है कि एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ हैं ये एक दूसरे के क्रॉस लोड हो रही हैं आ, और जो है ना इनके इंडिकेटर्स बिल्कुल ठीक है अच्छा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है फोन लॉकर क्राइटेरियन इसके डिफरेंट मेथड्स हैं करने के जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मशहूर है और इस्टेबलिश हुआ हुआ है वो हमारे पास है मोनोट्रेट uh, uh, ये मेथड है जो आजकल कल वैलिडिटी के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है इससे पहले हम ये देखा करते थे कि ये जो लोडिंग्स हैं वो आपस में फैक्टर्स फैसट्स में हो रही हैं और वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट दि, हैं जो पैटर्न मैट्रिक्स बन रहा है वो ठीक बन रहा है नहीं बन रहा लेकिन इसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि ये एच टी एम टी इसका स्कोर क्या है और इनकी कुछ एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ हैं जो ग्रीन में शो भी हो जाती हैं तो वो जब हम अगर कभी रिफ्लेक्टिव मॉडल की हमने वर्कशॉप की तो उसके अंदर हम देखेंगे रिफ्लेक्टिव मॉडल किस तरह से होता है इसके अंदर अच्छा चूंकि ये हमारे पास फॉर्मेटिव मॉडल इसके अंदर शो नहीं हो रहा एक चीज़ जो मैं आपने और चेक करनी है फॉर्मेटिव मॉडल के मॉडल के अंदर वो है आर स्केयर क्वालिटेरिया क्राइटेरिया के अंदर आएंगे तो आर स्केयर में आप दे पाएंगे तो ये आपका जो है ना आर स्केयर और आर स्केयर एडजस्टेड की वैल्यू आपको ग्राफिकली भी दिखा देगा और उसका डाटा भी दिखा देगा और ये देखें ये ग्रीन है तो जो इसकी एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो कि आपकी वैल्यू एटलीस्ट एटलीस्ट जो होनी चाहिए वो पॉइंट फाइव से अबव और अगर पॉइंट एट पॉइंट नाइन आए तो वो बेस्ट है एनीथिंग अबव मैं दिखा देता हूँ ये आर्ट स्क्वायर की जो आपकी वैल्यू है वो पॉइंट सिक्स फोर जो है ना और एटलीस्ट पॉइंट फाइव जीरो होनी चाहिए अगर इससे कम होगे तो ये रेड में शो कर देगा और बेहतर ये है कि आइडियली ये आपके मैग्नीट्यूड पॉइंट एट ज़ीरो होने चाहिए और कम से कम पॉइंट सेवन ज़ीरो होना चाहिए एक अच्छा पॉथ मॉडल बनाने के लिए तो आपने इसके कौन कौन सी वैल्यूज चेक करनी कॉल इन वी आई एफ फिर उसके बाद आउटर चेक करने हैं अगर वो सही लोड नहीं हो रहा है तो आउटर लोडिंग चेक करनी है फिर आपने डिसाइड करना है कि कोलिनेटिव इश्यूज़ को ट्रीट किस तरह से करना है और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपका मॉडल सही नहीं है फिर तो आपने आर्ट स्क कर चेक करना है कि उसकी वैल्यूज़ पॉइंट फाइव से ज़्यादा और ऑप्टिमली पॉइंट सेवन पॉइंट एट होनी चाहिए ये हो गया आपका फॉर्मेटिव मॉडल अच्छा अब एक फाइनल चीज़ इससे पहले कि हम यहाँ पर रैप अप करें वो ये होगी कि हम ये एक मॉडल और देख लेते हैं अपने मॉडल के अलावा ये एक बिज़नेस रिसर्च का मॉडल है जिसके अंदर हमारे पास जी चलिए रिज्यूम करते हैं अच्छा ये मैं आपको एक मॉडल जो है ना ये शो करना चाह रहा था फाइनल से ख़त्म होने से पहले वो ये कि ये एक बिज़नेस का मॉडल है बिज़नेस रिसर्च का मॉडल है जिसके अंदर उन्होंने कस्टमर एक्विजिशन को किया है कंप्यूटर यूज से और ऑर्गेनाइजेशन की लाइकेबिलिटी से उसके बाद हमारे पास कस्टमर लाइफ टाइम है और स्विचिंग की वैल्यू कि कस्टमर स्विच कितना करते हैं और उसके अंदर एक मॉडरेटिंग इफेक्ट भी है अच्छा इसके अंदर देखेंगे जो हमारे पास मॉडल हैं एज़ अपोज टू फॉर्मेटिव मेजर्स जो हमने यूज़ किया रिफ्लेक्टिव मैजर्स कॉन्स्ट्रक से ये जा रहे हैं मैनिफेस्ट आइटम्स की तरफ एरो का साइन आइटम्स की तरफ है ठीक है ना सारे हमारे पास इफेक्टिव मॉडल है अच्छा अब इसकी आपने लोडिंग्स देखी हैं कि ये लोड किस तरह से कर रहे हैं इसके स्कोर्स हैं आपने उनको एल्गोरिथम रन किया है इनका आपस में पाथ कोफिशेंट्स कितने हैं ये हो रहा है अच्छा मैंने जो आपको बताना था उसके अंदर मैंने ये बताना था कि फॉर्मेटिव मेजर्स के अंदर आप मीडिएशन किस तरह से यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर यूज़ के जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो कस्टमर लाइफ टाइम से वो नेगेटिव है या पात्र उसका देख लेकिन इसके जो मीडिएटिंग इफेक्ट है थ्रू कस्टमर एक्विजिशन वो पॉइंट सिक्स टू कस्टमर एक्विजिशन से है और आगे पॉइंट फोर सिक्स सेवन जो कि ह्यूज एन कम्पेरिजन टू पॉइंट जीरो वन सेवन वो पॉजिटिव है तो कभी कभी ये भी होता है कि जो कुछ इंडिकेटर्स हैं उनका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है ना वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है या बिल्कुल नहीं भी होता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है ना वो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है फॉर uh, एग्जांपल इसके आपको मैं सोशल साइंस से फ़नी एग्जांपल दूँ कि अक्सर जो माएँ होती हैं घर में होती हैं बच्चों को कहते हैं कि वो पढ़ लें पढ़ लें अपना होमवर्क कर लें तो पिछले दिनों मैं एक में एक फेसबुक पे मीम देख रहा था कि अगर तो उनको वैसे कहती रहता तो वो बढ़ती नहीं है लेकिन अगर साथ उन्होंने कोई छड़ी रखी हो या कोई स्टिक रखी हो या कोई डोई वगैरह रखी हुई हो तो अगर वो इस्तेमाल ना भी करें ना तो बच्चों को इनडायरेक्टली पता होता कि अगर हमने नहीं होमवर्क किया तो इसके नतज खतरनाक हो सकते हैं तो ये जो इनडायरेक्ट इम्पेक्ट होता है ना एक थर्ड वेरिएबल का इसको जो है ना लाइटली ले नहीं लेना चाहिए तो यहाँ पे आप इसको देख लें ये भी एक सोशल साइंसिस की ही थ्योरी है एक आइटम है कि जिसके अंदर अगर आपने डायरेक्ट इम्पैक्ट नेगलिजिबल भी हैं तो आप उसमें से ये देखेंगे कि मीडियटिंग इफेक्ट के ज़रिए इसकी वैल्यू क्या हो सकती है अच्छा इस तरह से जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है वो सिंपली आपके फैक्टर्स हैं जैसे जेंडर हो गया एज हो गया सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया उनके आप डिफरेंट ग्रुप्स बना के उनके फिर आप ग्रुप्स का इफेक्ट देखते हैं कि फीमेल के ग्रुप के अंदर मॉडरेटिंग इफेक्ट कितना है मेल्स के ग्रुप के अंदर मॉडरेटिंग इफेक्ट कितना है और इस तरह से जितने भी डिवाइडिंग फैक्टर्स हैं आप उससे बना के दे सकते हैं तो वो आपको मॉडरेटिंग इफेक्ट वो आपको बताता है कि कितना है और ये बहुत इन फॉर्मेटिव एंड रिफ्लेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं ठीक हो गया जी अब थोड़ा कर लेते हैं इसको रिकैप रिक आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि स्ट्रेटिस्टिकल्स मॉडल्स कितने टाइप के होते हैं होते क्या हैं स्ट्रक्चरल मॉडलिंग क्या करता है हमारे पास हमने जो इसके अंदर कवर किया है वो ये है डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस टेक्निक्स जिसके अंदर डिपेंडेंट के अंदर सेवरल डिपेंडेंट अगर वेरिएबल्स हों और इन ए सिंगल रिलेशनशिप हों तो उसके लिए हमें टेस्ट कौन सा यूज़ करने हैं वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो इन ए सिंगल रिलेशनशिप उसके लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करना है आपने सबसे पहले वो देखना है कि वेरिएबल्स की मेजरमेंट लेवल क्या है मेट्रिक है नॉन मेट्रिक है फिर आपने उसमें से ये देखना है कि जो वेरिएबल है डिपेंड सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर वो कौन सा मेजरमेंट लेवल है और जब आप वो कर लेंगे तो फिर आप फाइनली आपको टेस्ट पता चल जाएगा कौन सा रन करना है इस तरह से इंटर डिपेंडेंट टेक्निक्स के अंदर फैक्टर एनालिसिस फैक्टर एनालिसिस एनाट्री फैक्टर एनालिसिस क्लस्टर एनालिसिस ये किस तरह से करने हैं कौन से टैब में जाके आएंगे वो कौन से होंगे इसकी एग्जामशन कौन सी होंगी नॉर्मेलिटी आउटलेयर्स होमोजन ऑफ वेरियंट वो भी हमने पढ़ी फिर हमने uh, जो फाइनली रह गया था लास्ट टू डेज के अंदर में स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग पढ़ी जिसके अंदर मल्टीपल रिलेशनशिप्स ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे उसके अंदर हमने पी एल एस के अंदर इंस्टॉल uh, करके उसके अंदर डाटा इंपोर्ट करना सीखा फिर मॉडल्स किस तरह से क्रिएट करने हैं हमने वो सीखा फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट्स कौन से होते हैं फॉर्मेटिव और रिफ्लेक्टिव मेजर्स ये कौन से होते हैं और इनको इनको जब हम एक दफ़ा रन कर लेते हैं एलगोरिधम्स मैंने आपको अभी सिर्फ इसके अंदर पी एल एस बताया अभी तो इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शन हैं बूथ स्ट्रैपिंग एंड कंसिस्टेंट पी एल है और पूरी इसके अंदर एक दुनिया मल्टी ग्रुप नाना है काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें हैं लेकिन मकसद आपको कंफ्यूज करना नहीं मकसद आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर बताना सर्टिस्टिकल टेस्ट का क्या होता क्या वो आपको बताया उसके बाद आपको uh, जो ना हमने ये करना सिखाया कि फॉर्मेलिटिव मेरेज के अंदर आपने कौन से इंडिकेटर्स के रिजल्ट्स रिजल्ट चेक करने हैं वीआईएफ को चेक करना है आउटर वेट्स को देखना है फिर आउटर लोडिंग्स को देखना है फिर ये डिसाइड करना है कि कौन से इंडिकेटर्स रखने हैं कौन से नहीं रखना है उसके बाद फाइनली आर के चेक करना है कि उसकी वैल्यूज़ पॉइंट सेवन पॉइंट एट के अंदर हों और पॉइंट फाइव से कम ना हो मैंने आपको ब्रीफली रिफ्लेक्टिव मेरज का भी एक मॉडल दिखा दिया कि किस तरह से उनके आपस में पाथ कोफिशेंट्स होते हैं और आपने ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा मैनिफेस्ट वेरिएबल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कॉन्सेक्ट मेजरमेंट के अंदर अब ये है कि आपको बेसिक जो क्वानिटेटिव है इसका बेसिक बेसिक आइडिया हो गया कि किस तरह से डिफरेंट टेस्ट रन होते हैं बाई वेरिएट यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट टेस्ट कौन से होते हैं एसपी में कहाँ पे आपने इसको लोकेट करना है आउटपुट को किस तरह से रीड करना है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग किस तरह से बनानी है मेरा ख्याल है इस वक्त इस वर्कशॉप के बाद आप अमंग 90 टू 95 परसेंट अपने कॉलिग और आ, जो क्लास फेलोज हैं उनसे आपको ज्यादा टेक्निक्स का पता है अब आप उसको किस तरह से यूज करते हैं अपने जो डाटा है उसको एनालाइज किस तरह से करते हैं इसको यूज करके इंटरप्रेट किस तरह से करते हैं वो अब आपके ऊपर है मैंने अपने हिस्से का काम जो है ना वो कर दिया है आपको मैंने जितने बेस्ट आ, लेवल ऑफ़ इंटरनेशनल रिसर्च और एजुकेशन थी वो मैंने आपको बता दी है इसके अंदर एक चीज़ uh, अभी रह गई है ये तो मैंने आपको सिर्फ क्वानिव का पोर्शन बताया है इसको आपने लिखना किस तरह से है ए पी एफ फॉर्मेट के अंदर टेबल्स को एक्सपोर्ट करके उनको इंटरप्रेट किस तरह से करना है आपने उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है फिर आपने उसको साइटेशन में किस तरह से यूज़ करना है सॉफ्टवेयर आप उसके लिए जो भी यूज़ करते हैं एंड नोट है बेबटेक्स है जो टेरो है मंडले है वो मैंने ब्रीफली हमारी जो पीछी वर्कशॉप थी ओवरव्यू की वर्कशॉप उसके अंदर मैंने बताया था कि हम किस तरह से जो है ना इस एनालिसिस को हमने फाइनली रिपोर्ट करना है आ, उसके बाद हमारा जो पोर्शन रह गया था वो क्वालिटेटिव का ये है कि अभी तो मैंने आपको क्वान्टिटिव एनालिसिस का बताया है लेकिन जो क्वालिटेटिव का कर करना चाह रहे हैं जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं एन का वो एन बी वो का सॉफ्टवेयर को किस तरह से हमने यूज़ करना है थीमेटिक एनालिसिस के लिए और सिस्टमेटिक रिव्यू के लिए एज अ गिफ्ट एज अ बोनस चूँकि हमने इसको एड्रेस नहीं किया कोऑर्टेटिव के अंदर मैंने आपको एक फ्री जो है ना इसके अंदर एक टेम्पलेट दे दिया है वो कल आपको सामान आई थिंक ग्रुप में शेयर भी कर दिया था लिटरेचर रिव्यू का एक एक्सेल फाइल है वो मैंने आपके साथ शेयर किया जिसके अंदर आप पेपर का नाम उसका मेथड सैंपल साइज रिसर्च मैथडोलॉजी क्वालिटेटिव क्वानिटेटिव रिजल्ट और आपके जो नोट्स हैं वो इकट्ठे किसी पेपर्स uh, को आपने किस तरह से लिखना है किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है वो भी मैंने आपको दे दिए लेकिन ये बेस्ट जो होता है ये होता है एन वीवो के अंदर जिसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हैं डिफरेंट थीम्स uh, की और फिर एक ही कोड के अंदर आपके पास सारे जो रिसर्च पेपर करना चीज़ वो आ जाता है और फिर आप उसको आउटपुट भी कर सकते हैं उसके विजुअल ग्राफ्स बना सकते हैं वो आप रिसर्च पेपर्स में इंक्लूड कर सकते हैं तो वो आ, जो है वो एक हमारी क्वालटेटिव की अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो हम अलग से एक वर्कशॉप रख सकते हैं और अब ये है कि आपके जो क्वेश्चंस वगैरह हो पूरे पाँच दिन के बारे में कोई हो आ, इसके अलावा क्वालटेटिव का क्वेश्चन हो तो हम ओपनिंग आपके माइक फॉर एवरी जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो मैं आपका माइक ओपन करता हूँ तो पहले मैं सुमर का क्वेश्चन आंसर कर दूँ मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर बेसिकली जो यूज़ होते हैं वो मल्टी वेरिएट्स ही होते हैं अगर आपके पास एक वेरिएबल उसके अंदर है प्रिडिक्टर में और एक जो है प्रिडिक्टिंग में तो फिर तो ये आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ही बेसिकली शो कर रहा है टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ होमोजनाइटीज़ और लीनियर रिग्रेशन बेसिकली आपकी एबिलिटी है उन दो वेरिएबल्स की इन फ्यूचर फोरकास्टिंग Uh, और ये आपको बताते हैं कि उसका इफेक्ट साइज और वो पावर कितनी है कि वो कितना कोरिलेट कर रहे हैं। तो जो मल्टी वेरिएट है वो बेसिकली एक दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का नाम है और मल्टीपल वेरिएशन में बेसिकली वो करता ही है कि तो uh, वो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो कैलकुलेट करता है डिफरेंट वेरिएबल से इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ और ये जो है मल्टीपल इक्ट्रेशन रन करता है ये फाइंड करने के लिए जो के जो नंबर ऑफ वेरियंट्स है वो कौन सा फैक्टर कितने परसेंट एक्सप्लेन कर रहा है इन प्रडिकटिंग योर डिपेंडेंट वेरिएबल तो नेसेसरेली जो आपका क्वेश्चन है वो सेम ही है कि मल्टीपेट रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन जो है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म्स इंटरचेंजेबल हैं अच्छा दूसरा जो पी का एलगोरिदम है इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते एस पी एस के अंदर आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं डिफरेंट ऑप्शन हैं डिफरेंट चेक पॉक्सेज हैं जो आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि एलगोरिदम को कि वो इस तरह से यूज़ करें जो पी एल एस का एलगोरिदम है वो बेसिकली एक प्री मेड पैकेज जो है जो एलगोरिदम है उसके अंदर जो मल्टीपल एग्रेशन है वो ऑटोमेटिकली खुद कैलकुलेट करता है और वो उसकी डिफरेंट इटेशन होती हैं आपको मैंने बॉक्स दिखाया था इट्रेशन वाला के जब हम सिलेक्ट करते हैं मॉडल तो उसके अंदर हमारे से नंबर ऑफ़ इट्रेशन पूछता है जब आप पी एल एस में जाते हैं ये यह यहाँ पे लिखा होगा मैक्सिमम इट्रेशन तो बेसिकली वो जितने भी बात कोफिश और कोरिशन हैं वो तो सबको कैलकुलेट करता है और उनकी आपस में जो कॉरिशन हैं चाहे वो मैनिफेस्ट आइटम्स के दरमियान हों या वो आइटम्स टू कंस्ट्रक्ट हो वो सब कैलकुलेट करके उनके पास फिर वो देखता है लीनियरिटी के इश्यूज और वो ये देखता है कि कोरेशन कितने हैं और प्रिडिक्टिबिलिटी कितनी है आर स्क्वायर ये वैल्यूज क्या है तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है जो आपको सब कुछ जो है ना कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट देता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्जाम्शन भी हैं कुछ चीज़ों के लिए पी जो है ना के लिए ये स्मार्ट पी एल थ्री ठीक है कुछ के लिए नहीं है कुछ के लिए डिस्कशंस चल रही हैं कुछ के मॉडल फिट का इशू है ये एक एवर ग्रोइंग एवोल्यूशन प्रोसेस है ये तो चलता रहता लेकिन ये डीप डिस्कशन में जाने के बजाय आप की जो रिसर्च है, आप बस उसको देखें कि उसके लिए आया है प्रॉपरेट है या नहीं है अगर है तो फिर आप उसको एनालिस करें और लिमिटेशन में फिर आप अपनी रिसर्च के लिख सकते हैं कि इसके कुछ आ, फंडामेंटल अंडरप्रनिंग हैं स्टेटिस्टिकल डिस्कशन हैं जो डिफरेंट लिटरेचर में चल रही हैं लेकिन एज अ होल मॉडल एक्सेप्टेबल है और इट्स इन साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स वी स्पीक जी और कोई जी उसामा ये मैंने आपको भी अनम्यूट uh, कर दिया कुछ आई थिंक उसामा के पास भी यहाँ पे वगैरह uh, हैं सर थैंक यू सो मच आई वुड लाइक टू आई एम वेरी मच कि सर आपने अपना टाइम दिया और हमें इतने अच्छे से एक एक चीज छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर कराए सर थैंक यू सो मच मैं तमाम वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा सेकेंडली uh, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए कुछ चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाह रहा था एक हमने फेसबुक का ग्रुप बनाया जिसमें तमाम जो कंटेंट्स हैं अपकमिंग हमारे जो वर्कशॉप्स होंगी जो भी चीजें होंगी वो शेयर की जाएंगी और करंटली जो हमारी ये करंट वर्कशॉप है इससे रिलेटेड भी जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी चीज़ अगर आपको रिक्वायर्ड है हम उस ग्रुप के थ्रू एक दूसरे से लिंक्ड रहेंगे और जो हमारा तमाम मटेरियल होगा जो हमारी ये फाइव डेज की वर्कशॉप थी इसका जो तमाम वीडियोस हमारे पास कम्पलीटली आप लोगों से शेयर की हुई हैं तो अगर किसी को दोबारा भी चाहिए होंगी तो वो हम लिंक शेयर कर देंगे फर्दर अगर आपके थ्रू कोई और पार्टिसिपेंट कोई और पार्टिसिपेंट अगर जो हमारी इस वर्कशॉप का पार्टिसिपेंट नहीं था लेकिन वो इंटरेस्टेड है इस सारे कोर्स वर्क को लेने के लिए और इसकी वीडियोस लेने के लिए तो उसके लिए एक बड़ी मिनिमल सी फीस रखी है हमने जो आपके रेफरेंस से आएगा आप लोगों की तरफ से तो उसको हम एक बड़ी मिनिमल सी फीस के साथ वो तमाम वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे और ये सारा जो कोर्स वर्क तो हमने जो इस दौरान स्टडी किया जो भी चीज़ें हैं वो भी उनसे शेयर कर सकेंगे ताकि जो लोग इस वर्कशॉप में बाय लक किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं पार्टिसिपेट कर सके तो उनको भी ये मटेरियल अवेलेबल हो सेकेंडली हमने एक फीडबैक फॉर्म बनाया है जो जिसका लिंक आपसे शेयर कर दिया जाएगा वो लिंक आप ओपन करेंगे तो जो आपका फीडबैक हो जहाँ पे आप समझते हैं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जो चीज़ें बेस्ट थी तो वो आप अपने अपना फ़ीडबैक देंगे ताकि हम नेक्स्ट जो वर्कशॉप कंडक्ट करवाएं तो उसमें हम इन चीज़ों को बेहतर तौर परफॉर्म कर सकें और इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें और इसके अलावा हम एक क्वालिटेटिव वर्कशॉप करवाना चाह रहे हैं उसमें आप लोगों की सजेशंस भी चाहिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं जो हमारे ग्रुप में हमारे साथ होंगे जिनके रेफरेंस से बाकी लोग भी आ रहे होंगे तो उनको हम स्पेशली जो है ना ट्रीट करेंगे उनको मतलब डिफरेंट किस्म के डिस्काउंट्स वगैरह भी मिल जाएंगे और इसमें आप लोगों की पार्टिसिपेशन अगर जितनी एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करेंगे इसमें आपका भी फायदा है और मैं सर का बहुत थैंकफुल हूँ कि सर ने इतनी डेडिकेशन के साथ और इतनी कॉन्टीन्यूस एफर्ट के साथ हमारे साथ पाँच दिन कॉन्टीन्यूस हमें छोटी छोटी चीज़ों में गाइड किया हमें अपनी जो एक्सपर्टीज थी वो शेयर की तो अगर आप लोगों का इस वर्कशॉप के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है कोई भी चीजें आप चाहते हैं कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं फर्दर क्वालिटेटिव वर्कशॉप के हवाले से जो आपके सजेशन हैं, वो भी जरूर दीजिएगा और तमाम लोग जो हैं, वो एक तो फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहां पे कनेक्टेड रहे जो लोग और इंटरेस्टेड हैं उनको भी फेसबुक के थ्रू हम कनेक्टेड uh, रहेंगे और नेक्स्ट जो भी अपडेट्स होंगी वो हम शेयर करते रहेंगे उनके साथ ठीक है जी थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच डॉक्टर मसूद ندیم साहब जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हमारे लिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसमें जो डिपार्टमेंट के जितने भी स्टूडेंट्स थे और डिफरेंट एरियाज uh, से जो स्टूडेंट्स थे उनको एक अच्छा बेनिफिट मिल सका सर थैंक यू सो मच सर अगर आप مزید कोई क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहें कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज जी बिल्कुल थैंक यू सो मच जी समय मोस्ट वेलकम हमारा uh, बेसिकली शॉप्स का गोल ही यही है कि जो डॉक्टोरल स्टूडेंट्स हैं रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं उनकी इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च हो सके उनकी पब्लिशिंग हो और वो उनको स्कॉलरशिप्स बाहर मिलें और इन रिटर्न पाकिस्तान का जो ना इसके अंदर इमेज रिसर्च के अंदर हम जो ना बेहतर बना सकें फाइनल चीज़ एक थी वो ये कि काफ़ी लोगों ने ड्यूरिंग वर्कशॉप रिक्वेस्ट की थी कि हम चाह रहे हैं कि वन टू वन सेशन जो है ना वो सर के साथ अपने स्पेसिफिक डाटा के बारे में एनालिसिस कर सकें तो ये है क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट है रमजान की वजह से भी और कुछ मेरी दूसरी कमिटमेंट की वजह से तो मैंने उसमा से बात कर ली है तो कमिंग वीक जो आ रहा है कल से ऑनवर्ड तो उसके अंदर आप जो है ना अगर आप कंसल्ट करना चाहें तो आप आ, उसामा के साथ कोऑर्डिनेट करके कोई टाइम सेलेक्ट कर लें जहाँ पे अपना डाटा जो है ना आपने जो भी कलेक्ट किया हुआ है आपका जो हाइपोथेसिस है आपका लिटरेचर रिव्यू जो आपने किया हुआ है कम्प्लीट आपकी डाटा की इंफॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट करके तो हम वो एक वन टू वन जो है ना सेशन रख सकते हैं तो वो आप काइंडली उस से कोऑर्डिनेट कर लें जिनका भी इशू हो तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम एंड इफ नॉट आई बी मोर देन हैप्पी टू यू नो कोलैबोरेट विद यू इन द फ्यूचर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ Our workshop. Please join our Facebook group to stay in touch. Uh, and I'm available anytime uh, for any kind of help that I can impart uh, for your better studies and for your better understanding. I'd be more than happy to collaborate in your projects uh, and in hope to keep learning from each other. Thank you so much.